हेलो एंड वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर 2, क्लास 10, एनसीईआरटी। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। गांधी जी के मूवमेंट को स्टेक होल्डर्स कैसे देखते हैं। इन द कंट्री साइड, रिच पीजेंट्स बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। कंट्री में जो रिच पीजेंट थे वो कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर थे। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। उनको बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट पड़ा डिप्रेशन का और फॉलिंग प्राइसेस का। एज दिस रिच पीजेंट्स बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रोग्राम। क्योंकि ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स भी थे। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए स्वराज के लिए फाइट करने का मतलब था कि रेवेन्यू जो हाई टैक्सेस है वो कम हो जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। लेकिन वो बहुत ही निराश हुए जब मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया गया बिना रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज किए, बिना टैक्स को कम किए। सो व्हेन द मूवमेंट वॉज रिस्टार्टेड इन 1932, तो जब मूवमेंट को रिस्टार्ट किया गांधी जी ने 1932 में, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कंपेन इन मूवमेंट। और जो गरीब किसान थे वो अपना रेंट नहीं चुका सकते थे, लेकिन कांग्रेस नो रेंट कंपेन को सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मर्चेंट व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, तो वो इम्पोर्टेड गुड्स के प्रोटेक्शन चाहती थी। इंडस्ट्री जैसे फिक्की हो गई 1927 में, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जी डी बिरला। इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल। उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल को चैलेंज किया ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद इन द फर्स्ट लॉन्च। और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी सपोर्ट किया क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स पे, इंडियन इंडस्ट्रीज पे वो अपना कंट्रोल चाहते थे, ना कि ब्रिटिश कंट्रोल। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय द सेल इम्पोर्टेड गुड्स। उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और बायकॉट भी किया इम्पोर्टेड गुड्स का। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो वर्किंग क्लास थी इंडस्ट्री की, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर, नागपुर के अलावा। सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधी प्रोग्राम। कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन सिलेक्टिवली, लाइक बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ दियर ओन मूवमेंट्स अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया के फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने में और जो पुअर वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन। वुमेंस ने भी लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ दियर होम्स टू लिसन टू हिम। साल्ट मार्च के दौरान भी थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आई और उन्होंने सपोर्ट किया गांधी जी के इस मूव को। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लीकर शॉप्स एंड मैनी वेंट टू जेल। कई वुमेन्स तो जेल तक गई, फॉरेन क्लोथ को अपोज किया और पिकेट की फॉरेन क्लोथ्स की दुकान और लीकर की दुकानें। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। अर्बन एरिया में तो ये वुमेन हु आर इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी वर फ्रॉम हाई कास्ट। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स। और रिच पीजेंट हाउस होल्ड से भी आती थी रूरल एरिया में से। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स। एक ग्रुप था अनटचेबल्स का, हु फ्रॉम अराउंड द 1930s हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ओप्रेस, जो 1930 के बाद अपने आप को दलित या ओप्रेस कहने लगा। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित। काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस ने दलित कम्युनिटी को इग्नोर किया फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, के सनातनीज नाराज ना हो जाए अगर दलित को इंक्लूड किया जाए तो।
द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू, हिंदुओं की जो कंजर्वेटिव कास्ट थी जिनको सनातनीज बोलते हैं, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स, कि अगर दलित को इंक्लूड नहीं किया गया तो अगले 100 साल तक भी स्वराज नहीं मिलेगा। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन, उन्होंने अनटचेबल दलित को हरिजन बोला और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोला। ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह टू सिक्योर दैम एंट्री इन द टेम्पल्स, और सत्याग्रह मूवमेंट किया और उन्हें टेम्पल में एंट्री दिलाने की कोशिश की, एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स, और उनके अनटचेबिलिटी को खत्म करने का प्रयास किया। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क, उन्होंने खुद ही टॉयलेट साफ करके उस काम को डिग्निफाई करने की कोशिश की, एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज दियर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, और उनको अपना अपर कास्ट को अपना दिल परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के लिए बोला और कहा कि जो अपराध है, अनटचेबिलिटी का जो पाप है, इसको अपने हृदय से निकाल दें। बट मैनी दलित लीडर्स वर बिगन ऑर्गेनाइजिंग themselves, लेकिन काफ़ी दलित लीडर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लग गए, डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये डिमांड करते हुए कि एजुकेशन सीट्स में कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए, एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कुछ दलित लीडर्स ही चुने जाने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, टू रेज देयर वॉइस, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज, और जो समाज में उनकी सोशल डिसेबिलिटीज है वो सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही दूर हो सकती है। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ द अपर कास्ट, पर्टिकुलरली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज ऑर्गेनाइज द दलित इन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 में बी आर अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एंड द सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। वेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को अम्बेडकर जी की मान लिया, गांधी जी बिगेन ए फास्ट अन टू डेथ, गांधी जी ने फास्ट अन टू डेथ स्टार्ट किया। ही बिलीव्ड दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन टू सोसाइटी, उनका कहना था, गांधी जी का मानना था कि अगर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया दलित को, तो इंटीग्रेशन, सोसाइटी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी ओपोजिशन, अम्बेडकर जी ने गांधी जी के ओपोजिशन को मान लिया, एंड द रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1932, और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अंबेडकर। इट गेव द डिप्राइज्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, उनको रिजर्व सीट दी गई लेकिन जनरल इलेक्शन के अंदर ही, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, जनरल सीट में रिजर्वेशन दिया गया। द दलित एंड सम ऑफ द मुस्लिम्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो ल्यूक वार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस वूमेन, में मुस्लिम का भी और दलित का भी ल्यूक वार्म पार्टिसिपेशन था। आफ्टर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट द अलायंस, एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फॉल्स, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू रीनेगोशिएट अलायंस, एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फॉल्स, 1927 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का रीनेगोशिएट हो गया और यूनिटी हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट इफ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, जिन्ना साहब एग्री थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देंगे अगर रिजर्व सीट्स मिल जाए सेंट्रल असेंबली में, और रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जो कि बंगाल और पंजाब में थी। इन 1930 सर मोहम्मद अकबाल एज प्रेजिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, जो कि प्रेजिडेंट थे मुस्लिम लीग के, रिटरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उन्होंने जोर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहिए फॉर द मुस्लिम एज एन इम्पोर्टेंट सेफ गार्ड फॉर देयर माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ताकि माइनॉरिटी के राजनीतिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन हो सके। हिज द हिंदू थिंक्स दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर कंट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ ट्रू नेशनलिज्म, लेकिन उनका कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नेशनलिज्म के फीलिंग के खिलाफ है, बिकॉज नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब है कि वो सारे एक ही नेशन के पार्ट हैं, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया
तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी. व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर. इन द 1970s ही रोट वंदे मातरम एज ए हमिंग टू द मदरलैंड. लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवल आनंद मठ डेवलप्ड. नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन दैम ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. बाद में वंदे मातरम सॉन्ग से सभी में नेशनलिज्म की फीलिंग आना शुरू हुई. अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री. दूसरा जो तरीका था नेशनलिज्म की स्पिरिट को बढ़ाने का वो था कि हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया जाए, हिस्ट्री की ग्लोरी को लोगों को दिखाया जाए इंडियन हिस्ट्री की. हिस्ट्रीज अर्ज द लीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल. ए ग्रोविंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज दस ब्रिंगिंग टूगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लैशेस और क्लासेस ऑफ इंडियंस एंड ए कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेस इन टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस. थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्ज ए नेशनल यूनिटी. इस तरीके से नेशनलिस्ट लोगों ने एक नेशनल यूनिटी लाने की कोशिश की. बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लैशेस पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट्स एंड वेरिड एस्पायरेशन एंड एक्सपेक्टेशन. लेकिन जैसा हम जानते हैं कि मूवमेंट को यूनाइट करने में थोड़ा मुश्किल हुई. डाइवर्स ग्रुप थे, डाइवर्स क्लासेस थी और उनकी अलग अलग एस्पायरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस थी. वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर नाउ. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप टू गेट ऑल वीडियोज ऑन ऑल चैप्टर्स on NCRT right from class 6 to class 12. Thank you.